गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी सिस्टम। पहले चलिए बात कर लेते हैं हम बाइनरी की। तो देखो, हम पहला वाला हेडिंग लेते हैं बाइनरी। देखो बाइनरी क्या है, एक नंबर सिस्टम है। तो देखो बाइनरी एक आधारित नंबर सिस्टम है। तो जिसका यूज कंप्यूटर डेटा को प्रदर्शित करने के लिए करता है। अगर देखो हम बात करें बाइनरी में, तो देखो ये टू डिजिट बेस होता है। बाइनरी में दो डिजिट होते हैं, 0 और 1, और इनको हम जो है 8-8 के ग्रुप में लिखते हैं। देखो इस तरीके से, जैसे 1 1 0 0 1 1 0 0, और देखो इसका बेस 2 होता है। तो इस तरीके से 2 बेस पे लिखते हैं बाइनरी नंबर को हम। ऐसे ही देखो हम कोई दूसरा नंबर लिखे बाइनरी का, तो जैसे 1 0 1 0 0 1 0 1, तो इस तरीके से हो सकता है। या देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है 1 1 1 0 0 0 0, तो इस तरीके से 8-8 के ग्रुप में बाइनरी डिजिट को लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे बाइनरी और डेसिमल नंबर, तो दोनों को कंपेयर करके हम समझते हैं। तो देखो एक तरफ मैं लिखता हूँ बाइनरी और दूसरी तरफ लिखता हूँ देखो डेसिमल। और डेसिमल नंबर तो आप जानते ही होंगे, जो 1 2 3 4 होते हैं उन्हीं को हम जो है डेसिमल नंबर कहते हैं। और जो 0 और 1 है वो आपके बाइनरी नंबर होते हैं। तो देखो बाइनरी नंबर में देखेंगे हम, तो देखो क्या होते हैं, देखो 0 और 1 ये दो बाइनरी डिजिट होते हैं। ऐसे ही देखो डेसिमल में देखेंगे हम, तो इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। और इस तरीके से अगर देखें इसमें बाइनरी में जो टोटल डिजिट हैं वो देखो हमारे पास में बाइनरी में टोटल डिजिट 2 होते हैं, और डेसिमल में देखो जो टोटल डिजिट है, जो यहाँ पे टोटल डिजिट है उनकी संख्या 10 होती है। 10 डिजिट होते हैं देखो 0 से 9 तक। अब देखो इनमें जितने डिजिट होते हैं उतना ही इनका बेस भी होता है। देखो बाइनरी का अगर बेस की बात करें, तो देखो जो बाइनरी नंबर है वो 2 बेस पे लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ बाइनरी में 2 डिजिट है तो ये 2 बेस पे लिखा जाता है। ऐसे ही देखो डेसिमल में हमारे पास में देखो 10 डिजिट है, तो देखो जो हमारे पास में डेसिमल का जो हमारा बेस होगा, देखो ये जो डेसिमल का बेस है वो देखो यहाँ पे 10 होता है। तो देखो यहाँ पे बाइनरी में 2 डिजिट, तो इसका बेस भी 2 होता है। डेसिमल में देखो 10 डिजिट, तो इसका बेस 10 होता है, ठीक है। अब देखो इसको 2 बेस पे लिखेंगे, इसको 10 बेस पे लिखा जाता है। अब बात करते हैं देखो हम यहाँ पे कि जो है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो ये देखो डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए, तो देखो हमारे पास अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, देखो डेसिमल नंबर को
बाइनरी में लिखना। तो देखो किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमें बाइनरी में लिखना होता है तो देखो इसका जो बेस होता है 2, उससे हम जो है डेसिमल नंबर जितना भी होगा उसको डिवाइड करते जाते हैं, और इसको जब तक डिवाइड करेंगे तब तक जो है शेष पद में 0 या 1 नहीं आ जाए। मान लिया कोई डेसिमल नंबर है, जैसे मैंने ये 10 ही लिया, मान लिया ये डेसिमल नंबर है मेरे पास 10, और इसको मुझे बाइनरी में लिखना है। तो देखो मैं क्या करूँगा कि ये डेसिमल नंबर 10 लिखा और यहाँ पर रिमाइंडर यानी जो शेष बचेगा वो लिखूँगा मैं, और इसको देखो डिवाइड करते जाना है 2 से, और ये जब तक डिवाइड करना है 2 से तब तक यहाँ पर नीचे शेष में 0 या 1 नहीं आ जाए। तो देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम शेष कितना बचेगा 0। देखो फिर से मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम देखो शेष बचेगा यहाँ 1, फिर देखो 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम और शेष बचेगा 0। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया जो 2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ से इस 1 से लेकर के ऐसे उल्टी तरफ इनको ऐसे लिख दो क्रम से। तो देखो अगर इस 10 का जो है बाइनरी लिखना है तो देखो इस तरीके से बन जाएगा। देखो 10 का बाइनरी ये बन जाएगा। देखो इसको इधर से लिखो, पहले लिखेंगे नीचे से 1, फिर देखो उसके बाद 0, फिर उसके बाद देखो ये 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 0। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, 10 का बाइनरी नंबर बन गया। तो इसी तरीके से हम किसी नंबर को जो है डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने कोड एक्टिंग ले लिया है, यहाँ पे बाइनरी को डेसिमल में लिखना। तो देखो किसी भी बाइनरी को डेसिमल में लिखने का, देखो पहले तो मैं आपको सीधा एक शॉर्ट बता देता हूँ, उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जैसे मान लिया मेरे पास कोई बाइनरी डिजिट है, देखो ये जैसे 1 0 1 1 0 1 0 इस तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ कि आप इसको जो है डेसिमल में लिखिए। तो देखो इसको डेसिमल में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो इधर से पीछे के जो डिजिट से यहाँ से शुरू करना है देखो आपको, और इसके नीचे लिखेंगे देखो 1, और देखो 1 का डबल कर देंगे यहाँ पे 2 इसके नीचे, और फिर देखो 2 का डबल होता है 4, और देखो 4 का डबल होता है 8, और देखो 8 का डबल हो जाएगा 16, और इसका डबल हो जाएगा देखो 34 वो 32, और देखो इसका डबल हो जाएगा 64। तो इस तरीके से देखो डबल करके लिख लेना है इनके नीचे इस तरीके से उल्टी तरफ से इस तरीके से। देखो यहाँ 1 से शुरू करेंगे, इसका डबल कर देंगे, फिर उसका डबल यहाँ, फिर उसका डबल यहाँ, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, इस तरीके से डबल करके लिखते आएंगे। और देखो जितने 0 हैं उनको आप क्रॉस कर दिए, 0 वाले डिजिट को आप क्रॉस कर दीजिए और बाकी को प्लस कर लीजिए। देखो 0 वाले को क्रॉस करके बाकी को आपको प्लस कर लेना है। तो देखो यहाँ पे ये 64 एक देखो ये हो गया, एक ये प्लस करना है, देखो एक ये प्लस करना है, और इसके बाद में ये 2 को प्लस करना है। तो इस तरीके से इनको हम प्लस कर लेंगे तो वही हमारा जो है इसका डेसिमल नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे प्लस करते हैं, देखो 8 और 2 10 10 और 6 16 और 16 4 20, देखो 20 का 2 लिखा मैंने, अब देखो 2 और 1 3 3 और 6 9। तो ये देखो यहाँ 90 इसका डेसिमल नंबर बनेगा इस बाइनरी का।
इसी तरीके से देखो मैं एक और आपको बताता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा 10101, अब मैं कहूँ इसको जो है आपको डेसिमल में लिखना है, तो देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 1 का डबल करके लिखेंगे 2, या 2 का डबल 4, या 4 का डबल 8, या 8 का डबल देखो 16। अब क्या करेंगे, देखो जो जीरो वाले हैं उनको आप ऐसे क्रॉस कर दो और बाकी को प्लस कर लो, जैसे 16 4 20 और 1 21, तो देखो इसका जो डेसिमल बनेगा वो 21 बनेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है बाइनरी डिजिट को डेसिमल में लिख सकते हैं। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो देखो समझ लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लिया यही नंबर है, देखो ये बाइनरी डिजिट है यही वाला, देखो मेरे पास। अब इसमें देखो हमको क्या करना होता है, क्योंकि हमारा देखो बाइनरी 2 बेस पर होता है, तो हम क्या करते हैं कि इस पर देखो पीछे की तरफ से 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से लिख लेते हैं। और इनका जो है मल्टीप्लाई करके इनमें देखो इनकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करके इनको प्लस कर लेते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। देखो तो अभी देखो यहाँ पे 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। देखो 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, देखो 2 की पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी, इसकी देखो 16 हो जाएगी। तो देखो सेम वही बन गई, देखो 1 2 4 8 16, देखो 1 2 4 8 16। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डबल करके लिख दिया था, क्योंकि लास्ट में यही आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, देखो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो देखो 0 आएगा, देखो 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा। अब देखो इनको क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो 16 4 20 और 1 21, देखो सेम वही आया निकल के। तो इस तरीके से देखो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, आप चाहो तो चीज़ें यहाँ पे इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इसके लिए मैं एक नंबर और देखता हूँ, देखो जैसे मैंने लिखा 1 0 0 1 1 0, मैंने कहा इसका बनाइए आप डेसिमल, तो आप देखो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लो या 2 लिख लो, 2 का डबल 4 लिख लो, फिर 8 लिख लो, फिर 16 लिख लो, फिर देखो 32 इसका डबल। अब देखो जीरो वाले को आप काटो, जीरे वालों को आप काटो, इस तरीके से बाकी के जोड़ लो, तो देखो 32 और 4 36 और 2 38। तो देखो इसका जो डेसिमल बनेगा वो 38 बनेगा इस तरीके से। तो देखो हमने यहाँ पे अभी सीखा कि जो है किसी बाइनरी को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं अगली हेडिंग पे, बाइनरी डिजिट का एडिशन, यानी बाइनरी नंबर को हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ, देखो अभी तो देखो अभी मैंने ये वाली हेडिंग ले ली है यहाँ पर, बाइनरी डिजिट को जोड़ना। तो देखो इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट है, मान लिया अगर आपके पास दो डिजिट है, मान लिया एक डिजिट ए है और दूसरा डिजिट बी है, अब मैं कहूँ ए और बी को प्लस करो तो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो इसमें भी यहाँ पे रूल्स बन जाएंगे, तो देखो किस तरीके से इनको प्लस कर पाएंगे हम। तो ये देखो 0 और 1 को प्लस करना है, तो देखो 4 तरीके से आप लिख सकते हो 0 और 1 को, यानी यहाँ पे 4 कंडीशन बनेंगी आपकी। देखो या तो जैसे 0 और 0 को जोड़ना है, या मान लिया 0 और 1 को जोड़ना है, या मान लिया 1 या 0 है, या 1 और 1 है। तो ये देखो इसको बिल्कुल आप डेसिमल की तरह ही जोड़ लो, जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर होते तो 0 और 0 को प्लस करते तो क्या आता, 0।
तो देखो बाइनरी में भी जीरो ही आएगा। देखो जीरो और वन को जोड़ते तो क्या होता, वन। देखो को जोड़ते तो क्या आएगा, वन। अब देखो यहाँ पे वन और वन को जोड़ेंगे तो हमारा टू होता है, वन और वन। लेकिन हमारे पास में बाइनरी में टू नहीं होता। देखो बाइनरी में क्या है, बाइनरी में टू नहीं होता। अब बाइनरी में टू नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। और इसको अगर मैं बाइनरी में चेंज करूंगा तो देखो क्या बनेगा इसका, देखो टू का बाइनरी बनाऊंगा मैं तो देखो इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वन टाइम आएगा, शेष पर जीरो। इसको ऐसे लिखूंगा मैं इधर की तरफ तो क्या बन जाएगा, वन जीरो। यानी यहाँ पे देखो टू का बाइनरी क्या बना मेरा, देखो टू का बाइनरी बना मेरा वन जीरो, यानी टेन बन गया। अब देखो इस टेन में से क्या करेंगे, देखो इस टेन में से देखो यहाँ जीरो लिखेंगे और देखो वन को क्या करेंगे, इस वन को करेंगे आगे कैरी कर देंगे। इसको क्या करेंगे, देखो आगे कैरी करेंगे, इसको इसको आगे वाले डिजिट में जोड़ देंगे। यानी जब भी हमें वन और वन को बाइनरी में जोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, जीरो और एक को आगे कैरी कर लेंगे। देखो हमें यहाँ पर बाइनरी डिजिट को जोड़ के देख लेते हैं। देखो अभी मैंने ये कोई बाइनरी डिजिट लिखा है, अब मैं इसको अगर जोड़ूं तो ये देखो क्या बन जाता है मेरा। अब देखो ये सिंपल है, पहले इसको जोड़ते हैं हम। तो देखो वन और जीरो को जोड़ेंगे तो देखो वन, वन और जीरो को जोड़ा वन, जीरो वन को जोड़ा है वन, वन जीरो को जोड़ेंगे देखो वन। तो इस तरीके से देखो यहाँ सब ये यहाँ वन ही आएगा, तो देखो सभी जगह वन आ गया। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता जैसे वन जीरो वन जीरो वन वन, और देखो इसके नीचे लिखा होता जीरो, देखो वन जीरो वन वन जीरो, इस तरीके से अगर ये होता तो देखो कैसे जोड़ते। तो इसके लिए देखो हम पहले क्या करते, देखो वन और जीरो को जोड़ते तो वन आता। अब देखो यहाँ पे वन और वन को जोड़ते तो क्या होता, वन जीरो आता। और इस वन जीरो में से देखो जीरो को हम यहाँ पे लिख लेते, देखो ये दोनों को जोड़ते तो देखो क्या आता, वन जीरो आता, यही तो आता वन जीरो। तो ये देखो जीरो को तो हमने यहाँ लिखा और इस वन को यहाँ कैरी कर देता मैं आगे। अब देखो इस वन को मैंने यहाँ पे कैरी किया है इस तरीके से। तो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे वन और जीरो को, और वन और जीरो को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वन। अब देखो उसके बाद में देखो वन और जीरो को फिर से जोड़ दो तो वन। देखो यहाँ पे दो दो डिजिट करके ही आपको जोड़ने हैं, एक साथ ज्यादा नहीं जोड़ने हैं, जिससे आप आसानी से कर पाओ। अब देखो ये वन और वन को जोड़ेंगे तो यहाँ वन जीरो बनेगा, जिसमें से देखो जीरो मैंने यहाँ लिखा और वन को आगे कैरी कर दिया। देखो वन और वन यानी वन जीरो, जीरो यहाँ आ गया, वन यहाँ पे कैरी हो गया। अब देखो ये दोनों को मैंने जोड़ा तो वन और जीरो को जोड़ेंगे तो वन। अब क्या करेंगे, देखो इस वन को और इस वन को जोड़ो तो वन और वन को जीरो यहाँ लिख दो और वन यहाँ लिख दो, क्योंकि वन जीरो बनेगा। अब देखो इसको फिर से इन दो को जोड़ो, देखो वन और वन को जोड़ेंगे तो वन जीरो बनेगा। तो देखो जीरो यहाँ लिखा मैंने, वन को आगे कैरी कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, इस जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, और देखो इसके नीचे कुछ है नहीं तो यहाँ पे वन आ गया। तो इस तरीके से देखो हम किसी बाइनरी डिजिट को सम कर सकते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर हैं वो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम आगे देखते हैं बाइनरी को कैसे घटाते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ हटा देता हूँ, एक बार फटाफट से मैं इसको साफ कर रहा हूँ जब तक सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं।
सभी लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे जब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए तो आ जाइए अब। तो देखो मेरा सिक्स पॉइंट है बाइनरी डिजिट को घटाना। तो देखो बाइनरी को घटाएंगे कैसे, तो देखो इसके लिए भी देखो मैं सेम मान लेता हूँ, मान लिया एक डिजिट ए है और दूसरा बी हो, अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो क्या बनेगा ए माइनस बी। तो यहाँ भी देखो चार कंडीशन बनेंगी इसके लिए भी। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास चार कंडीशन क्या है कि देखो हो सकता है कि देखो वन में से वन घटाना हो सकता है कि वन में से आपको जीरो घटाना हो सकता है कि जीरो में से जीरो घटाना हो, या हो सकता है जीरो में से वन घटाना हो। तो देखो सेम डेसिमल की तरह ही आप देखो, अगर वन में से वन माइनस कराएंगे तो जीरो आएगा, देखो वन में से जीरो माइनस कराएंगे तो वन आएगा, देखो जीरो में से जीरो कराएंगे तो यहाँ जीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ जीरो में से वन माइनस नहीं होगा, और वन माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, क्या करेंगे बोरो करेंगे आगे वाले डिजिट से। अब देखो जो बोरो होगा यहाँ देखो डेसिमल में जब बोरो करते हैं तो दस आते हैं क्योंकि डेसिमल का बेस 10 होता है और देखो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है। देखो अभी बताया था मैंने पहले बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए बाइनरी में बेस के बराबर, इसलिए बाइनरी में बेस के बराबर 2 बोरो होता है। कितना बोरो होगा यार 2 बोरो होता है यहाँ पे हमेशा। तो देखो बाइनरी में हम यहाँ से अगर एक लेंगे क्या है, अगर किसी से एक बोरो करेंगे तो वो क्या है बेस के बराबर 2 माना जाएगा, क्या माना जाएगा 2, और जब इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा हमेशा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जब भी हम जो को 0 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 लिखते हैं क्योंकि हम बोरो करते हैं, और जो बोरो करते हैं वो बेस के बराबर होता है और बेस बाइनरी का 2 होता है। देखो हम यहाँ कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा 1 0 1 0 1, मैंने कहा इतना से देखो माइनस करना है 1, देखो 1 0 1 0, मैंने कहा इसको माइनस करना है, तो देखो माइनस करते हैं कैसे होगा ये। तो देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, अब देखो 0 में से 1 माइनस होगा नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो लेंगे। तो देखो इस पे 1 भी है, आप देखो जिसके, तो आप देखो इस पे 1 ही है और जिसके पास 1 ही हो और वो 1 दे दे तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो देखो यहाँ से एक बोरो किया तो यहाँ 0 हो गया, लेकिन जो एक बोरो किया वो यार 2 के बराबर काम करेगा क्योंकि इसका बेस 2 होता है। अब यहाँ पे जो 2 हो गया इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे इसने बोरो दे दिया तो यहाँ पे 0 रह गया, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर देखो 0 है और 0 में से 1 माइनस होगा नहीं तो क्या करेगा ये यहाँ से बोरो करेगा और इससे बोरो करेगा तो यहाँ 0 हो गया, और ये जो इसने बोरो किया है वो 2 की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसका बेस 2 होता है, और जब इस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ 0 बचा है बोरो होने के बाद, तो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये माइनस हो सकता है। देखो हम एक और एग्जांपल से और देख लेते हैं, 1 0 1 1 0 1
अब देखो 0 1 0 1 0 0 ये माइनस करना है मुझे, तो देखो किस तरीके से माइनस करेंगे। तो देखो 1 में से 0 गया तो 0, अब देखो 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो यहाँ से बोरो लिया तो यहाँ 0 बचा, और यहाँ से जो 1 गया वो 2 की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ क्योंकि इसका बेस 2 होता है, तो अब देखो इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ देखो 0 है और 0 में से 0 गया तो 0, अब देखो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, देखो यहाँ 0 में से 0 माइनस किया तो 0 बचा, अब देखो इस 1 में से 0 को माइनस किया तो यहाँ पे 1 बचा। तो इस तरीके से हम देखो बाइनरी डिजिट को आपस में घटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा आज का वीडियो आपको ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।